This is one of the most beautiful looking 250cc cafe racer offered in India, and this is the all new 2024 Husqvarna with Pillion 250, which has been upgraded compared to the previous generation. और क्या क्या changes इस bike के अंदर आए हैं आज हम discuss करेंगे। तो सबसे पहले start करते हैं इसके overall design से। तो front में आप देखोगे, एक चीज notice करोगे starting में है कि इसकी जो light है ना, इसके अंदर आपको ring नहीं देखने को मिलता है, जो कि प्रीवियस जनरेशन में मिलता था। एंड इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कवर लगा दिया गया है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड देखने में लग रहा है। एंड अनदर थिंग इन द फ्रंट, द फेंडर, जो फ्रंट फेंडर है यहाँ पे, ये आपको मोटो जीपी स्टाइल एरो डायनामिक बनाने के लिए इतना ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से मतलब जो हवा कटती है बाइक की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और उसी के साथ ये जो है, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सस्पेंशन को भी कवर कर देता है, आपके अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पे ऑफर ही हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, माइब्रे की आपको ब्रेकिंग मिल जाती है, फ्रंट में डिस्क आता है, एलॉय व्हील्स जो है आपके इसके अंदर ब्लैक कलर के ऑफर हो रहे हैं। एंड ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखोगे ना यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक का, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब रोड पे एक अलग ही प्रेजेंस क्रिएट कर रही है। एंड फॉर 2024 हमें पहले से पता था कि भाई ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन अब इसकी ना प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले ये बाइक जो है, ये पहले के कंपेरेटिवली थोड़ी सी लेंथ में लंबी हो चुकी है, जिसकी वजह से इसका जो सीट वगैरह है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हुआ है, सिटिंग जो है आपकी काफ़ी इंप्रूव हुई है फॉर द राइडर एंड फॉर द पिलियन एज वेल। इसके ऊपर आपको विट पिलियन का इस तरीके से एक बेल्ट भी देखने को मिल जाएगी सीट के ऊपर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंजन है, दिस इज सिमिलर, ये वही इंजन है जो आपको ड्यूक 250 के अंदर देखने को मिलता है। ऑफसेट आपके सस्पेंशन आ जाते हैं, यहाँ पे आपका लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा, हस्क्वर्ना की आपको बैचिंग मिल जाएगी, इस तरीके से आपका जो रेडिएटर है वो कवर्ड है, रेडिएटर का साइज भी बड़ा कर दिया गया है जैसे कि आपका ड्यूक में कर दिया गया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो जो एलिमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ पे आपको हस्क्वर्ना की बैचिंग देखने को मिल जाती है। रेयर जो है, रेयर सेक्शन जो है, ये आपका कंप्लीटली कवर्ड है, अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन जिसके साथ आपको टायर हगर आता था और नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता था, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट होल्डर इसी के ऊपर आ जाता है, फेंडर के ऊपर आ जाता है, एलईडी लाइट पीछे देखने को मिल जाती है, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है एंड बहुत प्यारी 250cc सेगमेंट के अंदर ये कैफे रेसर बन जाती है। नाउ कमिंग टू द इंजन, द हार्ट ऑफ द बाइक, इसके अंदर आपको सिमिलर जो ड्यूक का 250cc इंजन है वही आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 30 BHP। तो भाई पावर फिगर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है पावर फिगर्स में। प्लस इसके साथ एज अ स्टैंडर्ड आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है, भाई ये सबसे बढ़िया चीज़ है, 6-speed गियरबॉक्स आता है विथ स्टैंडर्ड क्विक शिफ्टर, तो आप ऐसा कोई भी वेरिएंट लो आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर हम इसके ब्रेकिंग की बात करें यहाँ पे, तो अगेन आपको 320mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाती है, 240mm की रेयर डिस्क देखने को मिल जाती है, कम्स इक्विप्ड विद ड्यूल चैनल ABS एंड यू ऑल्सो गेट द सुपर मोटो ABS एज वेल ऑन दिस मोटरसाइकिल। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है इफ़ यू वॉन्ट टू टेक दिस बाइक ऑन अ माइल्ड ऑफ रोडिंग, या फिर अगर आप ट्रैक वगैरह पे ले जाना चाहते हो, तो उसके साथ आपको जो सुपर मोटो ABS है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होने वाला है। टायर्स की अगर यहाँ पे बात करें, तो प्रीवियस जनरेशन के कंपेरेटिवली अब टायर्स को चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे आपको MRF रेव स्टार मिल जाता है, फ्रंट में आपका 110 सेक्शन आ जाता है, रेयर में 150 सेक्शन आ जाता है। तो टायर की जो लेंथ है वो ब्रॉड है, पहले भी ब्रॉड थी, तो उसकी वजह से जो है आपका 250cc सेगमेंट के अंदर भी जो आपकी रोड में जो ग्रिपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और सबसे बढ़िया चीज़ भाई, इसकी जो सीट है ना, मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ, 820mm की इसकी सीट हाइट है, 5'9" मेरी हाइट है, एंड यू कैन सी हाउ अप्रोचेबल दिस बाइक इज, एंड मैं बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हूँ। एक और चीज़ इसके साथ, पहले क्लिप ऑन हैंडल बार आता था, लेकिन अब इसके साथ अपराइट पोस्चर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड भाई ये प्रैक्टिकलिटी इसी से महसूस हो रही है कि मतलब अब आप इसको सिटी के अंदर बहुत इजीली चला सकते हो, तो भाई आप स्ट्रेट बैठोगे यहाँ पे, कोई भी बैक में पेन नहीं आने वाला, पोस्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन रहा है। प्रैक्टिकलिटी से एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ये जो फ्यूल टैंक है, नाउ इट कम्स विद द कैपेसिटी ऑफ 13.5 लीटर, अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन विच वॉज 9.5 लीटर्स। तो ये एक बहुत मेजर एड ऑन हुआ है, और ये ज़रूरी भी था भाई, अगर केट मतलब अगर हस्क्वर्ना को अगर आप देखोगे कैरेक्टर वगैरह इसका मिनिमलिस्टिक अभी भी एक बाइक काफ़ी ज़्यादा लगती है, बट इसको फ्यूल टैंक ना काफ़ी ज़्यादा कम ही था, तो उसको अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत थी, एंड फाइनली वो चीज़ दे दी गई है यहाँ पे। हैंडल बार के ऊपर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जो स्विच क्वालिटी वगैरह दी गई है ना, सिमिलर टू द ड्यूक, एंड ये जो स्विच क्वालिटी है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, इसका टच एंड फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन आपको फ्रंट में WPK एपेक्स सस्पेंशन मिल जाता है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन आ जाता है, रेयर में आप सस्पेंशन देख सकते हो ऑफसेट सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से जो बाइक की डैम्पिंग क्वालिटी है ना, ये प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है यहाँ पे। नाउ
कमिंग टू द वेट, भाई ये जो बाइक है ना 150 kgs ड्राई वेट करती है, जो कि आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मैनेजेबल मोटरसाइकिल बन जाती है इन द सिटी इफ़ यू कंसिडर इट कि ये जो बाइक है 250 cc सेगमेंट के अंदर आती है। आपका जो एग्जॉस्ट है ये आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है, तो एग्जॉस्ट की बात हुई है तो ऑन करना तो बनता ही है ना मेरा भाई। तो यहाँ पे हम ऑन करके दिखाएं आपको, तो बाइक का जो साउंड कैरेक्टर है ना ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सा आपको लगेगा। मैंने 401 की भी पिछले वीडियो में साउंड सुनाई थी, तो बाइक का जो साउंड है ये काफ़ी ज़्यादा रेसी फील आपको देने वाला है, स्पेशली टॉप स्पीड में तो बाइक को चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड जो लोग मतलब ड्यूक 250 को लेना नहीं चाहते ना, मतलब कुछ चाहिए उन्हें कि 250 cc की इंजन मिल जाए लेकिन बाइक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो लेकिन सिमिलर पावर फिगर्स के साथ, वो लोग हुस्क्वर्ना की तरफ काफ़ी अब अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द की, दिस इज द की ऑफ द हुस्क्वर्ना। इसके ऊपर एक कवर भी आता है जिसकी वजह से काफ़ी प्रीमियम लगती है, अभी तो वो कवर नहीं है। देन यहाँ पे आप इसको ऑन करोगे, सो दिस इज़ द स्पीडोमीटर जो कि आपका नेटिव डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है कुछ देखने में, लेकिन आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। RPM आ जाता है यहाँ पे, रेयर ABS ऑन ऑफ का आपका आ जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, और टेम्परेचर बाइक का दिख जाएगा आपको, स्पीड आ जाती है, फ्यूल गेज आ जाता है, यहाँ पे साइड स्टैंड की वार्निंग आ जाएगी। अब ये जो है यहाँ से जो कंट्रोल है, इधर से आप इसको नेविगेट कर सकते हो, तो यहाँ पे किल स्विच प्रेस्ड, यहाँ पे फ्यूल रिजर्व, ट्रिप 1, ट्रिप 2, एवरेज स्पीड, एंड उसके बाद मेन्यू आ जाता है जिसमें अगर आप सिलेक्ट करोगे तो रोड या सुपर मोटो सिलेक्ट कर सकते हो, बाइक इन्फो आपकी आ जाएगी, देन ट्रिप इन्फो आपकी आ जाती है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, लैप टाइमर आपको आ जाता है, एंड सेटिंग्स आ जाती है जिसके अंदर आप फेवरेट, क्विक सिलेक्टर एंड क्विक शिफ्टर को भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, शिफ्ट लाइट आ जाती है, क्लॉक एंड डेट आ जाता है, यूनिट्स आ जाता है, एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाते हैं। सो ओवरऑल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको ऊपर दिख जाएगी, यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, ऊपर आपकी लाइट्स आ जाती है, इंजन लाइट आ जाती है, ABS लाइट आ जाती है, न्यूट्रल लाइट आ जाती है, हाई बीम वगैरह की लाइट इस तरीके से आ जाती है, एंड यहाँ पे रेविंग की लाइट आ जाती है। सो ओवरऑल दिस इज़ द स्पीडोमीटर, एंड ये हैंडल बार आने के बाद बाइक हैज़ बिकम मोर प्रैक्टिकल फॉर योर डेली यूज़। सो भाई ये बहुत ही एक अच्छा ऐड ऑन हुआ है, बहुत ही अच्छा एक अपग्रेड यहाँ पे किया गया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लॉस फिनिश आपको टैंक के ऊपर देखने को मिल जाती है, ब्रॉन्ज में ये जो फ्यूल लिड है इसके ऊपर आपको हुस्क्वर्ना का पैचिंग, एंड बाइक ओवरऑल दिखने में भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। सो अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, विच इज़ द प्राइस पॉइंट। नाउ ये जो मोटरसाइकिल है हुस्क्वर्ना ड्यूक 250 के कंपेरिजनली 20,000 रुपीज़ चीप पड़ती है। हुस्क्वर्ना 401 का भी सेम सीन है, वो आपका 390 से कम पड़ता है, 20,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो हुस्क्वर्ना का जो प्राइस है वो ड्यूक सीरीज से नीचे ही रखा गया है। प्राइस जो है इस बाइक का वो है 2.19 लाख एक शोरूम। तो भाई उसके अंदर आपको जो जो चीज़ें ऑफर हो रही है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, मतलब अगर आप सेम इंजन के साथ एक डिफरेंट कैरेक्टर फील करना चाहते हो दिस इज़ द वन यू शुड गो फॉर, एंड माइल्ड ऑफ रोडिंग वगैरह हर एक चीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगने वाली है, एंड दिस वन हैज़ बिकम मोर प्रैक्टिकल फॉर योर डेली यूज। सो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, टिल देन स्टे ट्यून्ड।